कहाँ है वो? आप लेट हो गए भाई, चला गया वो। तू तो कह रहा था उसकी फैमिली भी साथ में है। अंदर है। ये क्या था भाई? जानवर है, जानवर। अपना मेन हीरो है ना, फैमिली के साथ वंडरलैंड आया है। फटाफट आ जाओ भाई। हुआ 15 मिनट में हाउसफुल, किसका इशारा दे रही है फिल्म? कितनी स्टार्स की रेटिंग मिली फिल्म को? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके जीजा आयुष शर्मा की फिल्म अंदम को थिएटर में रिलीज कर दिया गया है, जिसका क्रेज लोगों के बीच बहुत बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि एक लंबे समय के बाद सलमान खान अपनी कोई फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के बाद से इनकी सभी फिल्में अटकी पड़ी हैं। वैसे फैंस के इतने लंबे वक्त का इंतजार भी एक बड़ी वजह है लोगों के इस फिल्म के लिए बढ़ते क्रेज की। वैसे किसी फिल्म के लिए लोगों का ओवर एक्साइटेड होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन फैंस इस फिल्म के लिए फैंस इतने एक्साइटेड हैं जिसके कारण कई थिएटर्स में टिकट्स की कमी की प्रॉब्लम भी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। ऐसे में मुंबई के सबसे बड़े थिएटर केटी गैलेक्सी में जैसे ही टिकट काउंटर ओपन हुआ, सिर्फ 15 मिनट के अंदर उस वक्त का शो हाउसफुल हो गया। यही हाल है और भी कई फिल्म का। हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई तो वो जगह है जहां फिल्म की टिकट्स पाने के लिए लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां तो ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त में ही टिकट्स खत्म हो गए हों। अब इतना सब देखकर तो साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म अभी बहुत ऊंची तक पहुंचने का इशारा दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म सत्यमेव जयते 2 की, जिससे फिल्म अंतम का सामना हुआ था, तो फिल्मों के जानकार की माने तो ज्यादा चांसेस हैं कि आगे बढ़ने की रेस में सलमान की फिल्म अंतिम को जॉन इब्राहिम की फिल्म पर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर बात फिल्म अंतिम की करें तो ये फिल्म हिट मराठी फिल्म मुलशी पाटन का हिंदी रीमेक है। फिल्म में गैंगस्टर के रोल में आयुष शर्मा है, तो वहीं सलमान खान एक पुलिस वाले के बने हैं। फिल्म का संगीत हिट मराठी म्यूजिशियन जोड़ी अजय अतुल ने दिया है। फिल्म का डायरेक्शन महेश मांजरेकर ने किया है। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से 3.5 स्टार्स की रेटिंग मिली है। वैसे अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म और कहां तक जाती है। तो आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को भी नहीं मिल रही है फिल्म की टिकट्स? आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही कुछ और नई अपडेट्स जानने के लिए फॉलो करें अपना मन पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज।